अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू टु माय चैनल सैम्स फार्मा आज बच्चों की खांसी के शरबत की बात होने वाली है बच्चों को खांसी का शरबत पिलाने के ख़तरनाक नतज भी सामने आ सकते हैं यहाँ तक कि मौत भी वाक़ हो सकती है लेकिन कैसे और बच्चों को खांसी के लिए मौजू शरबत कौन सा होता है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके आज की वीडियो में मैं बच्चों के खांसी के सिरप को डिस्कस करने वाली हूं कि कौन से खांसी के सिरप बच्चों को नहीं देने चाहिए छः साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप नहीं देने चाहिए और कौन से सिरप हम उनको दे सकते हैं बच्चों के लिए ज़्यादातर खांसी के शरबत ख़तरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान में हेल्थ मिनिस्ट्री तो ख़ब ग गफलत में है कोई रोकथाम नहीं है इन दवाओं से बच्चों का निज़ाम तनफस दरहम बरहम हो सकता है आ, बच्चों की हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है झटके लग सकते हैं बच्चे नीम बेहोश हो सकते हैं इसके अलावा इन आ, से खांसी और दमे की बीमारी मज़ीद बढ़ सकती है इस तरह के बहुत से खतरनाक मसाइल हो सकते हैं अगर हमने खांसी के सिरप पर तवज्जो ना दी आम तौर पर जो शरबत पिलाए जाते हैं पाकिस्तान में जो मौजूद हैं इनमें ज़्यादातर ख़तरनाक जो सीरप्स हैं उनके नाम मैं आपको बताती चलूँ हाइड्रॉल सिरप एसिफाइल सिरप बेनेड्रिल सिरप कॉम्बिनोल सिरप कोफर्ब जिसमें आई वी लीफ होता है इस तरह के बहुत सारे सिरप जो हम लोग बड़े भी ले रहे होते हैं और हम साथ में अपने छः साल से कम उम्र के बच्चों को भी उसकी डोज देना स्टार्ट कर देते हैं ये बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देने चाहिए छः साल से कम उम्र के बच्चों को तो ये सिरप बिल्कुल नहीं आपने देने इनमें असल में जो फार्मूला है वो ख़तरनाक है इसके अंदर डायफिन हाइड्रामीन या सीडोफेड्रीन या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन होती है जो कि आमतौर पर हर शरबत में मौजूद होती है इसके अलावा डेस्ट्रोमुॉरफिन जो है वो भी अगर कि जिस सिरप के साथ डीएम लिखा होता है पहले मैंने एक वीडियो बनाई भी थी जिसमें मैंने हाइड्रलिन सरप डी एम के मतलब बात की डेक्सट्रोमुथॉरफिन सिरप जिस जिसके अंदर फार्मूला होगा वो फार्मूले वाला सिरप छः साल से कम उम्र बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए अब छः साल से कम उम्र के बच्चों को क्या पिलाया जाए अब इन में सबसे मौजू शरबत जो है जिसका फार्मूला है कीटो टिफ़िन कीटो टिफ़िन है जो कि जेटोफिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है ये शरबत छः माह से बड़े बच्चों के लिए सबसे मौजू है ये नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह के लिए काम करता है दूसरे नंबर पर ब्रोमो और एम्ब्रॉगजल ब्रोमोहेक्ज़ीन फार्मूला जिस सिरप में होगा वो दो साल से बड़े बच्चों के लिए मौजू है जबकि एम्ब्रोगज़ल फार्मूला जिस सिरप में है वो नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल छोटे इन्फेंट्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये सिरप मार्केट में म्यूको के नाम से मौजूद है ये खांसी और बलगम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा कोफब सिरप कोफ सिरप भी छः साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए इसमें प्रोस्पेन आई वी वाई लीफ होता है और आई वी वाई लीफ वाले जो सिरप्स हैं वो आपने छः साल से कम वाले बच्चों को नहीं देने हैं आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा लाइक करिएगा कमेंट भी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें खुदा हाफिज़